नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबर की ओर। मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से दो मंत्री बनेंगे। शपथ लेने वाले मंत्रियों के सूची में टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र खटीक का नाम तीसरे और सिंधिया का चौथे नंबर पर। थावरचंद की जगह एडजस्ट किए गए दलित नेता खटीक। मोदी कैबिनेट के विस्तार में मध्य प्रदेश से दो मंत्री बनाए जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक के नाम पर मुहर लगा दी है। बड़ी बात है कि खटीक का नाम शपथ लेने वाले 43 मंत्रियों की सूची में सीनियरिटी के लिहाजा से तीसरे नंबर पर है। सिंधिया का नाम चौथे नंबर पर है। इन नेताओं को राष्ट्रपति भवन में शाम 6 बजे मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है। उनके दिल्ली में कोविड टेस्ट कराए जा रहे हैं। इनमें टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र खटीक भी शामिल है। बुंदेलखंड के बड़े नेता वीरेंद्र खटीक टीकमगढ़ से 7 बार के सांसद हैं। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में खटीक को लेकर चर्चा है कि थावरचंद गहलोत चूंकि अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, लिहाजा उनकी जगह इसी वर्ग से खटीक को मौका दिया गया है। इसके अलावा खटीक टीकमगढ़ से सांसद है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से सटी है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हम दिखाते रहे खबर आपको, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना न भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।